कैसे बताऊंगी कि तुम्हारा घर बर्बाद करने के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, क्योंकि मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। मुझे गलती हो गई मुझसे, तुम तो अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम बैठो ना। तुम जैसे घटिया इंसान होते हैं जो चंद पैसों के पीछे ना अपना ईमान, अपनी इज्जत सब बेच देते हैं। बस कर दो यार, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ या तुम्हें ज्यादा की हवस हो गई है? मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहना चाहती थी। मैंने क्या ख्वाहिशें की थी तुमसे? मैंने कभी पैसे मांगे तुमसे? मगर तुम इतना गिर जाओगे मुनीर, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एक बहन के दुख का एहसास नहीं है। अगर तुम्हारी बहन होती ना तो तुम कभी ये हरकत ना करते। अगर मुनीर याद रखना, मकाफाते अमल ना जरूर सामने आता है। अच्छा ठीक है, दुआएं तो मत दो यार। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, चंद पैसों के लिए दिल में लालच आ गई थी मेरे, लेकिन मैं खुदा की कसम, सब मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं। मैं तुम्हें क्या बदुआ दूंगी? तुमने जो गुनाह किया है ना, कि तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी भी। तुमने उस औरत की खातिर बहन का घर बर्बाद किया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे मुनीर, कभी खुश नहीं रहोगे। अच्छा हाँ, बैठो प्लीज बैठो। अच्छा मुझे, मैं नहीं पकड़, तुम बैठो। तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ।